मेरे अपने शहर में और लाहौर में आके आप देखिए मेरी एनर्जी लेवल जो है ना वो यहाँ पहुँचा हुआ है यहाँ पे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब लाहौर आए, बहुत से रंग देखे, बहुत से सितारों से मिले, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छी सी बातें हुई और इतना खूबसूरत आखिरी सर्दियाँ जो है ना लाहौर की वो हमने आपको दिखाई, इंजॉय किया। अभी भी बड़ा प्लेजेंट मौसम है और मैं अपनी पूरी टीम, हम टीवी की जो लाहौर की पूरी टीम है उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके, बड़ा उनको मैंने तंग भी किया लेकिन अच्छा टाइम गुजरा, वक्त गुजरा सबके साथ। जनाब कल मैं डिनर कर रही थी, कुकूस कैफ़े गई हुई थी तो वहाँ पर मुझे एक कपल मेरी टेबल के साथ बैठा हुआ था, वो कपल से मैं नाम पूछना भूल गई वरना मैं ज़रूर उनका नाम लेती। तो दोनों कपल जो था, पहले वो खातून ने मुझसे बात शुरू की, उन्होंने कहा आप मॉर्निंग शो करती हैं, अप्रिशिएट मुझे किया जी, मैंने कहा जी मैं करती हूँ, थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने एक जैसे पर्पल शर्ट हस्बैंड ने पहनी हुई थी, वाइफ ने पहनी हुई थी पर्पल कलर की शलवार कमीज़, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारी 10th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इतना प्यारा, इस बार इतना अच्छा कपल था, लग नहीं रहा था कि वो शादीशुदा है, लग रहा था कि कोई डेट पे आए हुए हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने एक जैसे कपड़े पहने हुए, तो दे सेड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 10th एनिवर्सरी एंड दे हैड सन, 7 तो नहीं था, 9 साल का बच्चा भी था उनका। मुझे उनको देख के इतनी खुशी हुई, आई स्वेयर अगर हमारे सारी जो पाकिस्तान के या सारी दुनिया के कपल इसी तरह से अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने लगे और इसी तरह से मोहब्बत करें कि एक दूसरे से को कॉम्प्लीमेंट करके एक जैसे कपड़े भी पहनने लगे, तो आई थिंक प्यार मोहब्बत जो है ना मियां बीवी में वो कभी ख़त्म ना हो। और ये प्यार मोहब्बत ही तो है जो हमें लाहौर तक खींच लाया और ये प्यार मोहब्बत ही तो है जो हमें एक साथ बांधे हुए है। और मैं तो कहती हूँ बस प्यार बांटें, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। तो जनाब आज जो मेरी खुशी की इंतहा और जो मेरा एनर्जी लेवल इतना हाई है उसकी वजह ये है कि हम आज आपको मिलाएंगे पाकिस्तान के 3 उन सिंगर से जिन्होंने पंजाब की धरती में जन्म लिया और अपनी आवाज़ से पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इतने फेवरेट मेरे सिंगर हैं और मैं बहुत खुश हूँ एंड आई एम श्योर कि जब आप उन लोगों से मिलेंगे आप लोग भी बहुत खुश होंगे और उनकी बातें बहुत इंजॉय करेंगे। आज का शो होने वाला है बहुत स्पेशल, लेकिन उनसे मिलाने से पहले आपको पता है ना मैं लेती हूँ एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने चैनल चेंज किया तो बिलीव मी मैं इसकी जिम्मेदार नहीं होंगी, बिकॉज आज बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मैं उनके साथ करने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं, इसलिए चैनल मत चेंज कीजिएगा, स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।